इंदौर की हृदय स्थली राजबाड़ा मात्र 300 रुपए पर गिरवी रख दिया गया था। चौंकिए मत, ये हकीकत है, लेकिन इसे पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। आइए दिखाते हैं आपको दबंग न्यूज की खास रिपोर्ट। दरअसल बच्चों की शादी करना बड़ा ही कठिन मामला है। ऐसा ही एक रोचक मामला दबंग दुनिया के सामने आया। मामला है 1946 का, जब अपनी बच्ची की शादी के लिए राजबाड़ा को ही गिरवी रख दिया गया था। दरअसल मामला यह है कि सियासत काल से सफाई कर्मियों की जागीर थी, सफाई के ठिकाने बने हुए थे, किसी दूसरे के इलाके में अन्य नहीं जा सकता था, सहमति से ही जा सकता था। गिरवी रखने के लिए लिखित करार होता था। राजवाड़ा पर लक्ष्मीबाई पति चांद की जागीर थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए भोला पहलवान नरबले की बहन सुंदरबाई को जागीर दी थी। 10 आने में लिखा पढ़ी कर राजबाड़ा, कोयला बाखल, पीवा रोड सहित आसपास के क्षेत्रों को 300 रुपए में गिरवी रख दिया। इस पर जब सुंदरबाई अपनी सास प्रेमबाई को लेकर राजबाड़ा की सफाई के लिए पहुंची तो सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया, जिस पर सुंदरबाई भड़क गई और कहा कि राजबाड़ा तो मैंने खरीद लिया है। यह सुनकर सिपाही भी हंसने लगे। उसी वक्त महाराजा यशवंतराव होलकर ने सुंदरबाई की बात सुनी तो महाराजा भी हंस पड़े। उन्होंने सुंदरबाई से पूछा कि तुम्हें किसने बेचा है राजबाड़ा। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो राजवाड़ा गिर भी लिया है और जल्द ही इसे खरीद भी लूंगी, पूरे नगद दिए हैं चांदी के 300 रुपए। इस पर जब महाराजा ने चांद साहब को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटी की शादी के लिए मैंने राजवाड़ा की जागीर गिरवी रख दी है। इस पर महाराजा नाराज हुए और उन्होंने सुंदरबाई को 300 रुपए वापस लौटाए। चांद साहब को दंडित भी किया गया। इस बात का जिक्र सफाई कर्मचारी संघ के महेश गोहर ने 75वें स्थापना वर्ष पर आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में किया। राजबाड़ा जो है इंदौर शहर का, उस राजबाड़े के जो उस जमाने के उस समय के मालकिन जो थे वो मजबूत जी खत्री चांद साहब, मतलब वो थे मालिक, और उनको कुछ अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई होगी, तो उन्होंने जागीरें गिरवे रख दी। जिसने ली थी जागीरें वो काम दिखाने गए, देख के आए कि डेरा बस्ती हमारी है, इतना झाड़ना आपको, इतना इतना करना, यहाँ से इतना पैसा मिलता है, ये घरू घाटा हमारा, ये इतना ऐसा था पहले रिवाज। उसके बाद राजबाड़े में आए और राजबाड़े का भी उन्होंने अंदर गए तो सिपे सालारों ने उनको देख करके पहले गेट पालन तो नहीं रोका, लेकिन अंदर जब गए तो उन्होंने कहा क्यों भाई, बोले हम यह काम करेंगे, ठीक है करो। लेकिन एक बार दिखा दिया, दूसरे दिन जब वो भोला पहलवान नरवाले साहब जो इंदौर के मशहूर पहलवान रहे हैं, बड़े नामी गामी आदमी थे, उनकी बहन जिसका नाम था सुंदरबाई और वो अर्जुन मेंबर की बहू थी, तो वो अपनी सास प्रेमबाई को लेकर के राजबाड़े जब दूसरे दिन काम के लिए गई झाड़ू टोकरी लेकर के, तो वो राजबाड़े के जो दरबान होते हैं नौकर, उन्होंने रोक लिया कि माँ तुम कहाँ जाती हो। बोले क्यों रे, क्यों रोक लिया भैया हमें तू, अरे भाई तुम यहाँ नए आदमी हो, अंदर कैसे आ गए, अरे काम करने आए, अरे तुम क्यों, तुम काम नहीं करोगे आप हमारे यहाँ, नए आदमी को हमने अंदर नहीं घुसने देते, अरे जा रहे हमने राजबाड़ा ले लिया है। तो वहाँ के जो सिपे सालार थे वो बड़ा ताजुब कर गए कि राजबाड़ा बिक गया, संयोग बस राजबाड़े के ऊपर झरोकों में महाराजा यशवंतराव जी होलकर साहब वहाँ होलकर वंश के जो राजा थे उस ज़माने के, वो राजा साहब ने इस बात को सुनी तो वो भी हंसी अपनी रोक नहीं पाए, नीचे उतर के आए और कहने लगे यार हमें पता नहीं है हमारा राजबाड़ा बिक गया। तो बोले हुजूर बिका नहीं है, अभी तो गिरवी रखा है, और हाँ पर ऐसा रहा तो 2-1 साल बाद इसको ले भी लूँगी मैं। बोले राजा हंसे, गजब हो गया भाई, हमको पता ही नहीं हमारा राजबाड़ा है, बोले तुमने गिरवी रख लिया। बोले तो वो जो सुंदरबाई जो नाम की जो बहू थी वो बोल पड़ी, राजा साहब नगद दिए चांदी के 300 रुपये। अच्छा हाँ, किसको दिए? उनको जागीरदारी को दिए, उनके ससुर को दिए, चांद साहब को बुला लो, मजबूत जी को बुला लो हमारे। अच्छा लिखा पढ़ी है? बोला हाँ, धा आने के स्थान पर स्टाम्प पेपर हमने लिखा पढ़ी कराई। राजा ने तत्काल उनको सिपे सालानों को बोला कि भाई बुला के लाओ उनको, कौन है वो? जब जागीरदार को बुलाया, मेन जागीरदार को, उनको डांटा, क्यों भाई हमसे पूछना था? अरे हुजूर आला मुझे मेरी लड़की की शादी करना है और इसलिए हमारा नियम है हम जागीर गिरवे रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा जागीर में जो था सब 300 रुपये में रख दिया है। तो तत्काल टकसाल से 300 रुपये निकला करके उस मेन जागीरदार के उसको दिलवाए और कहा कि तू तेरा काम निकाल ले अभी और ये लो।
दबंग न्यूज के लिए कैमरामैन अजय सालवी के साथ भरत बामने की रिपोर्ट।